Friends, let me move further. Let me do something more now. We are doing now past perfect tense. Tenses में ही आगे चलते हैं. इस sentence बेटा जो हिंदी में last में ending होती है, चुका था, चुके थे, चुकी थी. बच्चा सो चुका था, राधिका कपड़े धो चुकी थी, है ना? राहुल खाना खा चुका था, वह बाजार जा चुका था, मेरा होमवर्क कंप्लीट ख़त्म हो चुका था, है ना? इस तरह से मतलब चुका था, जो पास्ट में काम जो है परफेक्टली ख़त्म हो चुका है. इसमें हम लोग यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे एग्जांपल करते हैं, रोहन स्कूल जा चुका था. रोहन हैड गॉन टू स्कूल. रोहन नेम हो गया, जाने का क्या होता है, गो. तो जा चुका था मतलब हैड गॉन कहाँ पर, टू स्कूल. रोहन हैज हैड गॉन टू स्कूल. अगर इसी को हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, हैड रोहन गॉन टू स्कूल, हैड रोहन गॉन टू स्कूल. हैड पहले चला गया, ये वाला आगे चला गया, तो हैड रोहन गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क हो गया लास्ट में. और बोलने की टोन इसी तरह से बनानी है आप लोगों ने, नेगेटिव सेंटेंस बनाना, नहीं रोहन स्कूल नहीं जा चुका था. तो ये सेंटेंस देखो, रोहन हैड गॉन टू स्कूल, जा चुका था तो नहीं जा चुका था, रोहन हैड नॉट गॉन टू स्कूल. गॉट. अब इसी को आगे हम लोग कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, इसी को आगे चला लेते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में पता क्या है, जितना मर्जी इसको लेंथी खींचते चले जाओ, 4 to 5, 6 इतने एग्जांपल करा दे, बट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड हेयर कि आपको रूल बताने हैं, नॉर्म्स बताने हैं, उसको कैसे यूज़ करना है वो बता दिया. अब आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना है सेंटेंसेस बना के, राइट. नाउ इट्स टर्न ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. वो काम जो पास्ट में काम हो चुका है और हमें टाइम भी पता है कब हुआ था. से रहा था, से रही थी, से रहे थे. से रहेगा सभी के साथ, कभी सोचो कि ये नहीं था. कोई काम जो है किसी पर्टिकुलर टाइम से चल रहा था. इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, सब्जेक्ट देन हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन सिंस और फॉर. सिंस फॉर लगता है परफेक्ट टाइमिंग, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आधा घंटा, राइट. और यहाँ पर फॉर होता है 10 दिनों से 12 दिनों से, किसी पर्टिकुलर ईयर से, सुबह से, कल से, रात से. तो एक पर्टिकुलर टाइमिंग पूरा जो है, एक पीरियड हमें नहीं पता कि किस टाइम से, एग्जैक्टली किस टाइम से. तो एग्जैक्ट टाइमिंग जब होती है वहाँ फॉर लगता है, एग्जैक्ट नहीं होता है सिंस लगता है. देन टर्न ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्ट देयर. रोहन सुबह से अखबार पढ़ रहा था. ये टू टाइप के सेंटेंस करेंगे, एक तो जिसमें परफेक्ट टाइमिंग है, इसमें इम्परफेक्ट है. इसमें इम्परफेक्ट है सुबह सुबह किस टाइम से, सुबह 4 बजे भी होती है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 o'clock, 11:59, यहाँ तक मॉर्निंग ही काउंट होता है. तो कब से रात के 12:01 से दोपहर के, दिन के, सॉरी नॉट दोपहर के, दिन के 11:59 तक क्या रहता है हमारा टाइमिंग मॉर्निंग का, तो कब से नहीं पता. तो उसमें हमें क्या लिखना है, रोहन हैड बीन रीडिंग, पढ़ने का रीड हो गया आईएनजी, न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग. इसमें हम ऑब्जेक्ट आगे लेके करते हैं, राइट. नेक्स्ट आगे आ जाता है इंटरोगेटिव. क्या रोहन सुबह से अखबार पढ़ रहा था. हैड रोहन बीन, हैड ही आगे जाएगा, बीन बाद में ही आएगा. रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, नेगेटिव में नहीं वाला, रोहन सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा था. रोहन हैड नॉट बीन, हैड के साथ नॉट लगाना है, हैड बीन नॉट नहीं लगेगा, वो टोटली इनकरेक्ट हो जाएगा. Had not been reading newspaper since morning. अब इसी को हम परफेक्ट टाइम के साथ करते हैं. रोहन 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा था. सेम सेंटेंस लिया है कि जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाए आप लोगों को. रोहन नेम का तो वही रहेगा, हैड बीन लगना है इसमें, रीडिंग वर्ब रीड मतलब पढ़ना,
रीड करना, रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से ना, तो फॉर 2 आवर्स। अगर इसका हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैड पहले चला जाएगा, हैड रोहन बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, और नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो रोहन हैड नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब इसके आप लोगों ने क्या करने हैं, एग्जाम्पल और सेंटेंसेस बना के करना है। इसका फार्मूला फिर से एक बार हम लोग कर लेते हैं, जो थोड़ा सा इम्परफेक्शन था, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, सिंस एंड फार लगेगा उसके बाद, फिर लास्ट में प्लस में जो भी बाद में हो, मॉर्निंग से, सुबह से, 2 घंटे से, 10 दिन से, और या किसी पर्टिकुलर 2010 से, कुछ भी आता है वो हम लोगों ने इसमें करना है। ठीक है, ये भी आप लोग करेक्ट कर लेना, इसको नोट डाउन करना है आपने, और मेन थिंग यू आर सपोज टू पुट योर एफर्ट्स फॉर प्रैक्टिस, राइट। हैव अ गुड डे।